गांव-गांव में घूमते हुए और अब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं अपने भगवती के मंदिर पर विराजमान संत महात्मा को भी नमन करता हूं। प्रणाम। आपके दर्शन करने आए हैं, भक्तों के दर्शन करने आए हैं। आप लोग सब सुने हमारी बात, इधर आ जाएं, दो मिनट के लिए इधर आ जाएं। एक वीडियो बना करके हम लोग आपकी यादगारी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ब्रह्म मनसा देवी की जय। सभी जोश में बोले एक बार, महाराज जी को नमन है। भारत माता की। ये झंडा सही करो ना, झंडी लपेट कर रखी है इसको, आपका जान कहाँ है, झंडी सही करो। हाँ, वीरों के सम्मान में मैदान में पहलवान होते हैं, भेजो दो मिनट के लिए। आ जाए आप भक्तजन, आ जाए आप लोग, आ जाए आप, आए आज सभी लोग, कुंतल परिवार के लोग, दूसरे हमारे जो भाई हैं मलिक साहब भी हमारे साथ आए हैं। हम आज यहाँ पहुंचे हैं तो हमारी वो यादें फिर ताजा हो गई। मैं साथ में एक मिनट में अपना भाव व्यक्त करते हुए फिर लोग हम आगे भगवती के दर्शन कराएंगे, अपने संतों के चरण लेंगे, उनके भी दर्शन करेंगे। माँ मनसा देवी वही देवी है, वही भगवती है जिसको कंस ने मारने की प्रयत्न किया था। आठवीं संतान पैदा होगी, कंस का वध करेगी, ऐसी भावना से कंस ने भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले ही फौज लगा दी थी, हाई लेवल के कमांडो लगा दिए थे। और फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ तो जो कन्या थी वो कन्या ही जो माया का रूप थी वही हमारी मनसा देवी है जो यहाँ पर विराजमान है। इनका साक्षात्कार हमारे बुजुर्ग अनंत पाल जी ने इनका यहाँ पर साक्षात्कार किया है, यानी कि अपनी तपस्या से इनका साक्षात्कार किया है या इनका साक्षात में दर्शन, इनका दर्शन लिया। ये उपस्थित हुई है अनंत पाल जी महाराज है। अभी आप इतिहास देखेंगे, मंदिर में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। श्री श्री 108 श्री उनके आगे उपाधि है। क्या मतलब निकला इसका? श्री 108 श्री, जहां हमारे संत महात्मा 15-20-30 साल लगातार केवल पत्ते खाकर तपस्या करते हैं तब वो उपाधि मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शासन के साथ साथ वो एक सिद्ध महात्मा भी थे। अनंत पाल जी के सामने साक्षात भगवती पेश हुई है, उनको आशीर्वाद दिया था और अनंत पाल जी के सामने उनकी तपस्या से वेद व्यास जी पेश हुए। शायद इतिहास पता है नहीं, मैं नहीं कहता, वेद व्यास जी पेश हुए हैं, उनके सामने साक्षात उनका संवाद हुआ है, उनको आशीर्वाद दिए हैं। तो वो भगवती उसी पांडव वंश की, धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन महाबली भीम जैन नकुल और सहदेव आप जानते हैं, उनकी वंशावली जो चली उसी में आगे महाराज परीक्षित महाराज जन्मेजय और जन्मेजय की जो वंशावली उसी वंशावली में 52 में थे अनंत पाल तोमर जी, प्रथम अनंत पाल तोमर जी जो 736 के लगभग या 737 के लगभग जो दिल्ली के शासक बने, 736 उसी वंशावली में आकर के ये जो कुंतल परिवार है, जो खुटेल पट्टी है, ये सारा परिवार उन्हीं की वंशावली है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। पांडव वंश ने 5000 वर्ष से लेकर के कुरुक्षेत्र
यात्रा के मैदान में पहले से भी शासन किया, देश को समृद्धि दी, देश को सुरक्षा दी, संस्कृति को रक्षा दी, अपने प्राणों के न्योछावर किए और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी ईसा से 200-250 साल तक इनके ही वंशावली शासन करते रहे, हिंदू संस्कृति को बचाती रही। लेकिन कुछ पीरियड, काला पीरियड ऐसा आया, मुगलों का शासन आया, हिंदुत्व को सनातन को नष्ट करने के लिए उनके उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और उसी में एक आक्रांता औरंगजेब नाम का हुआ था, जिस औरंगजेब ने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, गुरुद्वारों को तोड़ने के लिए, विद्यालयों को तोड़ने के लिए आदेश दिया था। भूमि के वीर किसानों ने लठ उठाए थे, तलवार उठाई थी, जब बड़े बड़े राजा उसको सल्यूट करते थे, उसको नमन करते थे, औरंगजेब को किसी की हिम्मत नहीं होती थी, तो इन ब्रज के वीरों को, वीरों ने लाठियां उठाई थी, तलवारें उठाई थी और उनके खिलाफ युद्ध किया था। उसी युद्ध में काफी हजारों लोग शहीद हुए थे। उन सब वीरों के लिए, उन सब वीरों की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आज पांडव सेना स्वाभिमान मंच के बैनर तले शौर्य यात्रा निकालने आए हैं। उन्हीं वीरों का एक मुखिया था गोकुलाचार्य, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका 1 जनवरी 1670 को कत्लेआम आगरा के अंदर किया गया था। उन सब वीरों को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। बहुत से ऐसे वीर थे जिनका परिवार का कोई नहीं बचा, गोकुला का भी कोई परिवार का नहीं बचा। इवन गोकुला की जो बहन जी थी भवरी देवी, उसको भी 26 बेटियों के साथ, जिनकी 26 लड़कियां थी, वो हरियाली तीज के दिन, जो उस दिन हरियाली तीज पर त्योहार मनाते हैं, तो औरंगजेब के कुछ सिपाही वहां से जा रहे थे तो उनका हरण करके ले जाना चाहा, उन बेटियों ने भी युद्ध लड़ा था। वो 26 बेटियां उन्होंने गोली से, वैसे काबू नहीं आई, वो उन्होंने हरा दिया था उन सिपाहियों को, लेकिन उन्होंने दूर जाकर के फायर करके गोली, उस समय आ चुकी थी बंदूक है, तो गोलियों से फायर करके 2600 को मौत के घाट उतारा था। बहुत ऐसे परिवार हुए हैं जिनके परिवार में एक आदमी नहीं बचा, भैया उनको अन्न जल कौन देगा, उनको स्मरण कौन करेगा। उन्हीं की याद में आज हम 1 जनवरी, जिसमें बलिदान हुए थे ये लोग, उनकी याद में हम लोग शौर्य यात्रा के रूप में, शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दीवान सिंह जी हमारे प्रधान जी हैं, वो पधारे हुए हैं, और शास्त्री जी, रमेश शास्त्री जी गांव दूधरा से पधारे हुए हैं अपनी टीम के साथ, सभी कुंतल परिवार, मणिक परिवार, हमारे पंडित भी आए हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम लोग दो नारे लगाएंगे और भगवती के चरणों में आगे नमन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हमें भगवती फिर उसी तरह से अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसी हिम्मत दे, उनका सा आचरण दे, उनकी सी तपस्या दे, ताकि कोई फिर दोबारा से हिंदू संस्कृति के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ आंख उठा करके नहीं देख सके। अभी खतरा तला नहीं है। औरंगजेब अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से अभी भी सीना तान करके हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक चैलेंज हमारे सामने है। जाग उठी है पांडव सेना, आगे कदम बढ़ाने को, स्वाभिमान बचाने को, अपना वतन बचाने को। जाग उठी है पांडव सेना, आगे कदम बढ़ाने को, स्वाभिमान बचाने को, अपना वतन बचाने को। ले लो सोता किसी लमोटा, वीरों के सम्मान में, ले जो सोता किसानों का, वीरों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में, हमारे मैदान में, वीरों के सम्मान में, हमारे मैदान में, वीरों के सम्मान में, हमारे मैदान में। महाराज अनंग पाल की, महाराज अनंग पाल की, महाराज अनंग पाल की, पांडव वंश की, माँ भगवती की, माँ भगवती की, माँ भगवती की, माँ भगवती की, गांडीवधारी महाराज अर्जुन की, गांडीवधारी महाराज अर्जुन की, गांडीवधारी महाराज अर्जुन की, धर्मराज युधिष्ठिर की, धर्मराज युधिष्ठिर की, गदाधारी महाराज भीमसेन जी की, गदाधारी महाराज भीमसेन जी, माँ भगवती की, माँ मनसा देवी की, माँ मनसा देवी की, सीताराम की, सीताराम की, राधे श्याम की, राधे श्याम की, राधे श्याम।
श्याम की। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे बात बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। झींगा से और चारों तरफ नगला झींगा की ही जमीन है। जमीन तो सब भगवान की है साहब, नगला झींगा की सब परमात्मा की जगह है। और मंथा देवी बैठी है उसके सब एक बराबर पे ही है सब एक कैप्टन साहब। हाँ ठीक है। Yeah, yeah, yeah.